नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल के एसएन सीरीज़ की फ्लेक्सिबल नंबरिंग के बारे में। यानी हमारे को अगर अपने अकॉर्डिंग कोई भी फ्लेक्सिबल नंबर बनाना है, यानी किसी भी एक्सटेंशन का कोई नया नंबर बनाना है, जैसे सपोज़ आपको 101, 102 की सीरीज़ बनानी है, या 201, 202 की सीरीज़ बनानी है, या 301, 302 की सीरीज़ बनानी है, या रूम नंबर वाइज आपको एक्सटेंशन नंबर्स प्रोग्राम करने हैं, जैसा कि आप होटल्स में देखते हैं या फिर आप जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में देखते हैं। तो पहले तो ये है कि जो हमारा ZX 24 की जगह जो हमारा ये नया मॉडल आया है SN 24, तो SN 24 के अंदर जो है हम 24 एक्सटेंशंस, अगर हम सारे एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं, यानी हम 004 के कार्ड अगर हम सारे यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर 24 एक्सटेंशंस दे सकते हैं। SN 40 के अंदर 40 एक्सटेंशंस दे सकते हैं, SN 64 के अंदर 64 एक्सटेंशंस दे सकते हैं। तो मींस, और हम जो है 103 के कार्ड, यानी 1 टेलीफोन लाइंस एंड 3 एक्सटेंशंस, और साथ में अगर हम देखें तो 4 एक्सटेंशंस के कार्ड का कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर कम्बिनेशंस अलग अलग दिए हुए हैं। जैसे कि अगर आप 10 अगर एक कार्ड आप यूज़ करते हैं, 103 का अगर कोई भी 0 कार्ड यूज़ करते हैं, और तो आप जो है अगर ZX ये SN 64 है, तो वहाँ पर आप 16 के 16 कार्ड्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। कौन से आप अपने मीन्स 16 कार्ड आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर कि आप पहले 10 कार्ड्स जो हैं आप उसमें ट्रंक लाइंस भी यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स ट्रंक लाइन, आपकी मैक्सिमम ट्रंक लाइंस अगर 64 पोर्ट का सिस्टम है तो आपकी 10 कनेक्ट हो सकती हैं, और अगर आपका सिस्टम जो है 40 पोर्ट्स का है तो भी आप जो है मतलब केवल पहले 10 कार्ड जो है वो ट्रंक को सपोर्ट करते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे फर्स्ट कार्ड है, तो अगर आपने पहला कार्ड ट्रंक और उसका कम्बिनेशन रखा है, तो उस केस में आप जो है पहले कार्ड में जो आपके एक्सटेंशंस होंगे वो आप देखेंगे कि यहाँ पर 201, 202, 203, और साथ में जो नेक्स्ट एक्सटेंशन आएगा दैट विल बी 231। यानी इसका मतलब कि जो नंबर है वो सीक्वेंस में आपको मिलेंगे, लेकिन एक एक्सटेंशन जो है आपका 103 में, अगर आपने सारे कार्ड्स 4 एक्सटेंशंस के यूज़ किए तो उस केस में जो ये एक्सटेंशन आएगा 231। और अदरवाइज़ अगर आपने एक ट्रंक कार्ड यूज़ किया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 201, 202, 203 एंड 601, यानी ये ट्रंक नंबर है, एक ट्रंक हमने यूज़ किया है। और इसी तरीके से जो सेकंड कार्ड है उसमें 204, 205, 206 एंड 232, तो दैट मींस कि जो एक एक एक्सटेंशन है वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 231 से लेके 240 तक, अगर नंबर ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्ड्स आपने 103 के कितने यूज़ किए हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने वेरियस कम्बिनेशंस आपको शो किए हैं, जिसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि आपके जो है फ्लेक्सिबल नंबर बाई डिफ़ॉल्ट उसमें क्या होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे फ्लेक्सिबल नंबरिंग इसके अंदर की जाती है। तो फ्लेक्सिबल नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सटेंशन नंबर 201 से स्टार्ट होते हैं, तो अभी हमने जैसे यहाँ पर कि हमने फ़ोन कनेक्ट किए हुए हैं तो 201 से हमारे नंबर स्टार्ट हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि इसमें या तो हम इसमें प्रोग्रामिंग से उन एक्सटेंशंस को हम क्लियर कर दें, दैट मीन्स कि हम जो भी फ्लेक्सिबल नंबरिंग जो हमारी है उसको अगर आप रीसेट करना चाहते हैं, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है आप देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप स्पीकर ऑन करेंगे *89000, तो ये बीप की टोन आ गई। अब इसके बाद आपको आप डायल करेंगे 283, तो आपके जो नंबर्स हैं वो क्लियर हो गए, तो आपके और ज़ीरो करके आप प्रोग्राम मोड से बाहर आ जाएंगे, आपको नॉर्मल डायल टोन आ जाएगी। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जैसे सपोज़ फ्लेक्सिबल नंबरिंग करना है और आप किसी एक्सटेंशन को कुछ भी बनाना चाहते हैं, तो आपको उसको अब मैं सपोज़ मेरे को एक एक्सटेंशन है जिसका कि मेरे को एक्सटेंशन नंबर पहला एक्सटेंशन है उसको मेरे को 101 बनाना है सपोज़, दूसरा एक्सटेंशन है उसको मेरे को 201 बनाना है, तीसरा एक्सटेंशन मेरे को 301 बनाना है, और जो मेरा चौथा एक्सटेंशन है यानी फोर्थ एक्सटेंशन है उसको मुझे सपोज़ 9 यानी ऑपरेटर बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1x1 करके हम एक्सटेंशन को क्लियर कर देंगे। क्लियर का मतलब जैसे फर्स्ट एक्सटेंशन है, ये देखिए स्पीकर हमने ऑन किया, अब हम करेंगे *89000, ठीक है। तो अब पहला एक्सटेंशन क्लियर करना है तो आप करेंगे 371,
और उसके बाद पोर्ट नंबर यानी 01, पहला पोर्ट नंबर 01 है, उसके बाद आप हैश हैश कर देंगे तो ये आपका एक्सटेंशन क्लियर हो गया। अब हम दूसरे एक्सटेंशन को क्लियर करेंगे 37102##, ये हमारा दूसरा एक्सटेंशन भी क्लियर हो गया। फिर हम तीसरे को करेंगे 37103##, फिर हम नेक्स्ट करेंगे 37104##, फिर हम नेक्स्ट करेंगे सपोज 37105##, मतलब एक तो ये पोर्ट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम जो है सपोज़ हम किसी एक्सटेंशन को, जो पहला एक्सटेंशन है उसको हमें सपोज 9 बनाना है, तो हम क्या करेंगे 371 उसके बाद पोर्ट नंबर यानी 01, पहला पोर्ट है 01, उसको हमें 9 बनाना है। अगर सिंगल डिजिट में है 9 प्रेस, तो उसके बाद आपको हैश प्रेस करना पड़ेगा। हैश का मतलब है कि दैट मीन्स कि अगर एक्सटेंशन आपका सिंगल डिजिट में ही है तो मिनिमम 4 डिजिट्स के बाद आपको, अगर आपका एक डिजिट में है तो आपको हैश उसके बाद प्रेस कर देना है, अगर 2 डिजिट में है तो भी उसके बाद, यानी हैश इज़ बेसिकली द कम्प्लीशन, आपको कम्प्लीशन बताने के लिए हैश आपको प्रेस करना पड़ता है। अगर 4 डिजिट में है तो आपको हैश प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने जैसे ये एक एक्सटेंशन 9 बना दिया है, तो देखिए हमने इसे प्रेस किया, देखिए रिंग जानी शुरू हो गई, दैट मीन्स कि हमारा जो पहला पोर्ट है 01 पोर्ट है वो हमारा 9 बन चुका है। अब देखिए जैसे हम देखते हैं, अब हमारा दूसरा पोर्ट है उसे 101 बनाना है। अब 101 को हम पहले चेक करते हैं कि हमारा रिंग जा रहा है या नहीं जा रहा। देखिए 101 करने पर ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक का मतलब है कि हमारा वो पोर्ट अभी तक मौजूद नहीं है, हमारा एक्सटेंशन वो अवेलेबल नहीं है। अब सपोज़ कहीं का रूम नंबर है 101, तो उसको हमें 101 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, स्पीकर ऑन हैश स्टार 89000, उसके बाद क्या करेंगे 371, अब 02 सेकेंड पोर्ट और हमें क्या बनाना है 101, तो हम करेंगे 101 देन हैश। अब ये सेव हो गया। अब हमें मान लीजिए दूसरा पोर्ट है 37103, इसको हमें 201 बनाना है, तो 201 देन हैश। फिर हम 371, फिर हम उसके बाद मान लीजिए चौथा पोर्ट है 04, देन हमें इसको बनाना है 401 देन हैश। तो इस तरीके से हमने पोर्ट्स को बना दिया और 000 करके हम बाहर आ जाएंगे। तो अब हम अगर रिंग करके देखेंगे तो जो भी एक्सटेंशन को, ये हमारा 201 इटसेल्फ खुद ही 201 है, और हम 301 करके देखते हैं, अभी हमारा 301 नहीं बना है, अब हम 101 करके देखते हैं। ठीक है, 101 हमारी रिंग जानी शुरू हो गई है, दैट मीन्स हमारा 101 बन चुका है। और 401 को भी चेक करते हैं, देखिए 401 भी हमारा बन चुका है। और अब हम अगर 301 बनाना चाहें, जैसे अभी हमारा 301 नहीं बना है, और सपोज़ हम 06 जैक को हम 301 बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे स्टार 89000371 06, और इसको हम हैश हैश कर देंगे तो यानी वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 371, फिर हम करेंगे 06, और उसके बाद हमें बनाना है 301 और देन हैश सिंगल हैश। तो अब हमारा नंबर अब जीरो करके हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद हम स्पीकर ऑन करके 301 डायल करेंगे, देखिए हमारा रिंग जो है 301 पर भी जाना शुरू हो गया, दैट मीन्स कि हमारा एक्सटेंशन 301 भी बन चुका है। तो इस तरीके से आप इसमें फ्लेक्सिबल नंबरिंग कर सकते हैं। ध्यान रखना है आपको कि SN जो है 24, SN 40 और SN 64, इसमें जो पोर्ट नंबर स्टार्ट होते हैं दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 01 से लेके 64 तक पोर्ट नंबर है। तो आपको पोर्ट नंबर देना है, ना कि एक्सटेंशन नंबर चेंज करने के लिए। और उसके बाद आप एक्सटेंशन नंबर डायल करेंगे, और एक्सटेंशन नंबर पॉसिबल है एक डिजिट से लेके 4 डिजिट तक। अगर आपका एक्सटेंशन नंबर एक डिजिट है तो आपको एक्सटेंशन नंबर जो आप नया एक्सटेंशन बनाएंगे उसके बाद हैश प्रेस करना पड़ेगा। इसी तरीके से 2 डिजिट में भी आपको हैश प्रेस करना पड़ेगा एक्सटेंशन नंबर बनाने के बाद, 3 डिजिट में भी हैश प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्सटेंशन नंबर 4 डिजिट में है तो वहाँ पर आपको हैश प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है सीधा उसके बाद ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी फ्लेक्सिबल नंबरिंग, मतलब अपने अकॉर्डिंग होटल में या किसी भी आप रूम पैटर्न अगर आपके पास जो भी है तो उसके अकॉर्डिंग आप इजीली कर सकते हैं। तो आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप इस प्रोडक्ट को आप परचेज़ करना चाहते हैं या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमारे जो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे अपने
अपना फीडबैक जो है शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।